हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दो मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो गाइस चलिए पहले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ है पबजी की तरफ से। पबजी ने न्यू स्टेट लॉन्च कर दिया। ये आपको एंड्रॉयड में प्री रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगा। ये एक मतलब ये सेटअप 2051 ईयर का है जिसमें फ्यूचरिस्टिक गैजेट और वेपन देखने को मिल जाएंगे आप लोग। ये लेटेस्ट मोबाइल टाइटल है पबजी की तरफ से। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है भारत बंद के बारे में। आज भारत बंद है GST पेट्रोल प्राइस हाइक हुए बिल के खिलाफ। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना तो आप लोग गूगल पे आकर सर्च करके देख सकते हैं भारत बंद लिख के। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है इमा वाटसन की तरफ से। इमा वाटसन एक एक्ट्रेस है हॉलीवुड की, और ये रूमर्स सुनने में आया है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन उनके मैनेजर ने ये क्लियर कर दिया, ये एक रूमर है, वो अभी कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है मुकेश अंबानी की तरफ से। मुकेश अंबानी के मेंशन के बाहर एक कार मतलब एक लापता कार आ चुकी है, और उसमें एक बहुत सारे मतलब एक्सक्लूसिव है बॉम्ब भी हो सकते हैं। और उसमें एक लेटर है नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के लिए, लेकिन उस लेटर में क्या है अभी तक को पता नहीं चला। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है चैक मूवी की तरफ से। चैक मूवी एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें नितिन रकुलप्रीत सिंह और प्रिया वरियर है। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो पर।